खून में होगी ताकत तो करूंगी हिफाजत सब की, मैंने सरेआम इस वर्दी की कसम खाई है। नमाज से पहले तो हजरत के टाइम उठ जाते हैं, अच्छा। नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो हजरत वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपनी पीटी के लिए तैयारी वगैरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इंशा आवान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में, जहां पे पुलिस रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। आइए जानते हैं कि ट्रेनिंग में किस तरह उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्स वर्क में उन्हें क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह उन्हें सुबह का आगाज़ होता है, दिन का आगाज़, और किस तरह इख्तिताम होता है। तो आइए उनके रूटीन जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि आया कि वो क्या लर्न करती हैं, क्या सीखती हैं, और वो चैलेंजेस के लिए तैयार हो भी रही हैं या नहीं। आइए उनसे जानते हैं। साइज को दो दफा करेंगी, शुरू करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने अपनी पीटी जो है वो कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद वो दोबारा हॉस्टल की तरफ जा रही हैं, जिसमें वो चेंज करेंगी, यूनिफॉर्म पहनेंगी, और फिर उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और अब हम उन्हें टाइम देते हैं और उसके बाद उनके साथ चलते हैं उनकी क्लासेस में। जी जनाब, अब हम मौजूद हैं कोर्स कोऑर्डिनेटर नौशीन के साथ, और रहिए उनसे पूछते हैं कि इन्हें जो क्लासेस हैं वो किस चीज़ की दी जा रही हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, और क्या चीज़ ज़रूरी है इन्हें पढ़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नौशीन, मुझे बताइएगा कि ये जो क्लासेस हो रही हैं और जो ले रही हैं लड़कियाँ क्लासेज रिक्रूट्स हैं, क्या आप पढ़ाते हैं और आप क्या समझते हैं कि जो उनकी ट्रेनिंग में क्या सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है? हम लोग यहाँ पे लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं और जनरल सब्जेक्ट्स, इनमें सोशल सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं जो हम इनको पढ़ाते हैं। अच्छा। और हम लोग को इस तरह ट्रेन करते हैं ताकि लॉ से ये फेमिलियर हो जाएं और फील्ड में जाके अच्छे से जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, मुझे बताएं कि क्लासेस में एक क्लास में कितनी बच्चियाँ होती हैं और कितने सब्जेक्ट्स जो उन्हें एक दिन में पढ़ाए जाते हैं? ड्यू टू कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने क्लास की जो अरेंजमेंट है, पहले 35 थी पर क्लास, लेकिन अब 22 कर दी गई हैं। अच्छा, 22 है जी, 22 पर क्लासेज है। हमारी टोटल 18 क्लासेज हैं और हमारे 397 स्टूडेंट्स हैं। ओके। और हम लोगों ने 22 जो स्टूडेंट्स पर क्लास बिठाए हुए हैं। अच्छा, तो कितने टीचर्स पढ़ाते हैं? टीचर्स हमारे 42 टीचर्स हैं 18 क्लास में, और पर डे हमारे 6 लेक्चर होते हैं। 6 लेक्चर्स दिए जाते हैं, और जिसमें आप लॉ भी पढ़ाते हैं, आप उन्हें बाकी मौशरत भी पढ़ाते हैं, सोशल भी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज के हैं और लॉ के सब्जेक्ट। अच्छा, कितनी देर ये क्लासेस चलती हैं एक दिन में, कितने घंटे? 9 बजे से स्टार्ट होकर 1:30 बजे। अच्छा, मुझे किसी क्लास का विजिट करवाएंगी आप? जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा कि इस क्लास में आप क्या पढ़ा रहे हैं और कितना ज़रूरी है ट्रेनिंग जो है रिक्रूट के लिए उनको ट्रेन करना? इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी मेरा टॉपिक है जी। अच्छा, मैं इनको ये पढ़ा रहा हूँ और इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नई जो चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें इनको फील्ड में ये काम करें जी और अप्लाई करें,
और लोगों की जो जाने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। अच्छा, अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि एक अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आप समझते हैं कि होना बहुत ज़रूरी है, हर लड़की और हर लड़के में जो रिक्रूट हैं उसको ये सीखनी चाहिए या सिखानी चाहिए, तो वो कौन सी होंगी? उसमें एक तो ये है कि वो अब नंबर एक ईमानदारी करें, नंबर दो वो उनका अखलाक अच्छा हो, और नंबर तीन जो है वो एक डंडी ना मारें, मेरिट पे करें। अगर वो गरीब बंदा है, गरीब औरत है, उसके साथ भी हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि एसपी साहब की वाइफ है या डीआईजी साहब की वाइफ है तो हम उनको प्रोटोकॉल दें। हमारा चाहिए कि इस चीज़ को हट के उन सबको जो है बराबर जो है करें। सर, ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ट्रेनिंग देते हुए क्या लगती है? मुझे लगता है कि जो मैंने चीज़ें फील्ड में की हैं, अच्छा, उनको मैं सिखाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, ताकि ये जाके फील्ड में जाके वही काम करें जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। और सर, लड़कियों की ट्रेनिंग और लड़कों या लड़कियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ज़्यादा मुश्किल काम है या लड़कों को ट्रेनिंग करना ज़्यादा मुश्किल है? ये डिफ्रेंसिएशन है या हमने समझा हुआ है कि लड़की? जी, आपने समझा हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इंटरेस्ट ले रही हैं। अच्छा, और जितने भी हम इंस्ट्रक्टर्स हैं हमें कोई झिझक नहीं होती। अच्छा, और ये ज्यादा पिक करती है। अच्छा, मतलब ज्यादा जल्दी पिक कर लेती। मेरा ऑब्जर्वेशन है। ओके। हर एक की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, लड़कियां जो हैं वो ज्यादा ऑब्जर्वेशन करती हैं और ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, जिसमें आपके सामने मैडम नशीन साहबा जो हैं, ये मेरी शागिर्द हैं। अच्छा, और अच्छा, ये ऑल राउंड फर्स्ट आई थी अपर क्लास में, जो एसएचओ का कोर्स होता है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ये फर्स्ट आई। जी सर, मुझे बताएं कि ये काउंटर टेररिज्म एक बड़ा बड़ा वो सब्जेक्ट जिसे कहते हैं कि बहुत हाइप क्रिएट करने वाला, ये बड़ा टफ है या बड़ा सेंसिटिव भी हम कह सकते हैं, इसमें आप क्या पढ़ाते हैं काउंटर टेररिज्म को? इसका जवाब ये है जी कि जो नई जो टेक्नोलॉजी है जी, कि हमने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। ठीक है। अगर वो रोड पे ड्यूटी कर रही हैं, ठीक है, मजलिस पे कर रही हैं, जलसे जुलूसों पे कर रही हैं जी, जब हमारे पास इक्विपमेंट्स पूरे होंगे जी, तो हम अच्छे तरीके से उसका मुकाबला कर सकते हैं। सर, अगर आप इजाजत दें तो आपके किसी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। सना कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बिलोंग करती हैं? फैसलाबाद से। अच्छा सना, कितनी देर होगी ट्रेनिंग को? एक मंथ पहले की थी, अभी 15-17 दिन हो गए। अच्छा, तो काउंटर टेररिज्म एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, समझ भी आता है कि नहीं? जी, बस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आता है पढ़ने में। अच्छा, मतलब आप अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करती हैं? जी बिल्कुल। तो सुबह जब 5:30 बजे उठ के पीटी करनी पड़ती है, उसको भी एंजॉय करती हैं या वो बस बहुत मुश्किल लगता है? स्टार्ट में मुश्किल था लेकिन अब बहुत ईजिली हो जाता है, मतलब अब आदत हो गई है। जी, आदत हो गई। तो क्लास में जो आपको पढ़ाते हैं या पढ़ाया जाता है, या कुछ बहुत लॉ भी है और बाकी चीज़ें भी बड़ी टफ हैं, तो उसको कैसे फिर करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं सारा नॉलेज? और फिर जहरी बात है, इतनी देर बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करें। ये है कि हम अगर किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग के तौर पे, दिलचस्पी के तौर पे लिया जाए तो बहुत इजी हो जाता है सब कुछ करना। अच्छा। और हमारे उस्ताद बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन पढ़ाते हैं, हर मालूमात देते हैं और बहुत इजी हो जाता है फिर करना। और मतलब इजीली सीख जाते हैं? जी, इजीली सीख जाते हैं। लड़कियों को क्या पैगाम दोगी? लड़कियां बड़ा डरती हैं कि पुलिस में नहीं आना चाहिए, बड़ा ये है, बहुत मुश्किल ड्यूटी है, बड़ी टफ सड़क पे रहना पड़ता है, उन्हें क्या पैगाम दूंगी? मैं सब बहनों को, जो भी मेरी सिस्टर हैं, सबको यही मैसेज दूंगी, बाहर आएं, देखें कैसे किस दुनिया को हैंडल करना है, और इसमें बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। ठीक है। और कोई मुश्किल जॉब नहीं है। अच्छा। सबको आना चाहिए, सबको एक दफ़ा मतलब प्रैक्टिकल करना चाहिए। आलिया, मुझे बताएं कि कितना मुश्किल हो जाता है ट्रेनिंग करना? मैम, हमें मुश्किल नहीं लगता है क्योंकि हम लोग ये साबित करना चाहती हैं कि हम लोग मर्दों के शाना बशाना हर वो काम कर सकती हैं जो मर्द करते हैं, और हमें यहाँ ट्रेनिंग ही इस बात की दी जाती है। हर वक्त हमारे भाई अवेलेबल नहीं होते, और कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके भाई ही नहीं हैं, तो वो अपनी रोज़ी कमा कर अपनी फैमिली के लिए उनकी रोज़ी का ज़रिया बन सकती हैं, और ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत आसान है। अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारी वक्त की पाबंदी होती है, उस लिहाज से हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, 4 बजे उठते हैं तो असर की नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी हर तरह की जो है ना वक्त की पाबंदी के साथ साथ हमारे बाकी सारे काम भी रूटीन से होते हैं। अच्छा आलिया, जो पुलिस फोर्स जो है वो शौक से आई हो या किसी ने कहा था कि पुलिस फोर्स में चले जाओ? मैम, ये मेरा शौक था। अच्छा।
खून में होगी ताकत तो करूंगी हिफाजत सबकी, मैंने सरेआम इस वर्दी की कसम खाई है। अच्छा मुझे बताओ कि जब आपने पुलिस का घर वालों को बताया कि मैं अब फॉर्म आ गए या नौकरी आई और मैं करने लगी हूँ अप्लाई, तो थोड़ा हलचल पैदा हुई घर में कि नहीं 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 जाना ये वो थोड़े रिस्ट्रिक्शन? ऑलरेडी मेरी फैमिली जो है उसमें से 6-7 लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं। अच्छा। तो उन लोगों ने गाइड किया था मुझे और मेरा खुद से शौक था, मेरी तालीम ऐसी थी कि मैं कोई और पेशा भी इख्तियार कर सकती थी, लेकिन हमारे फ़र्ज ने हमें मुंतखब किया, लड़कियाँ तो हज़ारों थी लेकिन इंशाल्लाह हम अपने फ़र्ज पर पूरा उतरेंगे ताकि बाकी बहनें भी आ सकें। ये हम क्लास 6 में जा रहे हैं, ये देखें बड़े क्यूट से नाम लिखे हुए हैं इन सबके, जो जो बच्चे अंदर बैठेंगे 22 बच्चे हैं क्लास 6 में, अब हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मैमुना हाशमी। अच्छा मैमुना क्या पढ़ा रही हैं आप? मैं इनको पढ़ा रही हूँ PPW पुलिस प्रैक्टिकल वर्क। अच्छा पुलिस प्रैक्टिकल वर्क में क्या पढ़ाया जाता है? हम स्टूडेंट को ये अवेयरनेस देते हैं कि आया थानों में क्या काम हो रहा है, पुलिस स्टेशन में क्या काम हो रहा है, आप जाएंगे किस तरह से काम करेंगे। अच्छा। क्योंकि जो मेन कंप्लेन आती है वो सबसे पहले हमारी इसी रैंक के पास आती है। ठीक है। ये ऐसे मुहर्रर जो है वो फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए हैं, रोज नामचे वगैरह पे बैठे हुए हैं। अच्छा। तो इनको बता रहे होते हैं इन्होंने पब्लिक डीलिंग किस तरह से करनी है, पब्लिक को किस तरह डील करना है, वो उनकी कंप्लेन आती है किस तरह रजिस्टर्ड करनी है। इसकी मेन मिसाल जो है हमारे कंप्लेंट सेल काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनको फौरन से पहले जो भी उनकी एप्लीकेशन आती है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, फिर उनको बकायदा उनकी एप्लीकेशन के मुताबिक नंबर दिया जाता है और फिर खुद से उनको फ़ोन करके बताया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है फलां तफ्तीशी के पास है, ये उसका नंबर है, आप मज़ीद उनसे रब्ता। अच्छा मैमुना मैं मुझे जहाँ तक लगता है या मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि पुलिस में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पब्लिक डीलिंग है, क्योंकि पब्लिक को डील करना और सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके बारे में ख़ासतौर पर आप इन्हें क्या सिखाती हैं कि किस तरह पब्लिक को डील किया जाए? जी ये वाकई आपने बहुत अच्छा सवाल किया और असल में ये है कि हम दूसरे के जहन को जब तक परख नहीं लेंगे पढ़ नहीं लेंगे वो उस तरह से हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, और जब भी थाने में जिस मसले ने जिस बंदे ने भी आना है उसने अपना मसला लेके आना है, उसने नॉर्मल पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं आना, उसने जब भी आना है परेशानी में आना है या हाइपर होके आना है, बिल्कुल वो नॉर्मल अंदाज में हंसते हुए गुफ्तगू करते हुए या आपको जो है इस तरह से नहीं आएगा कि हम आपसे बिलमुशाफा गुफ्तगू कर लेते हैं, उसने ऐसे नहीं आना। तो हम भी इनको ये बता रहे होते हैं कि जब भी कोई इंसान आता है, जब भी कोई फ़र्द आता है अपनी कंप्लेन लेके आता है, तो आपने उसको इस तरह से हैंडल करना है कि अपने माइंड को उसके माइंड लेवल पे लेके आना है कि ये मसला उसका नहीं है हमारा है, अगर हमारे साथ ऐसे होता तो हमारी क्या सिचुएशन। बिल्कुल मतलब आप कह रही हैं कि आपने जो उसकी सिचुएशन को समझना है और अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के सोचना है और फिर आपने उसको हैंडल करना है। अच्छा कभी कभार मैमुना क्योंकि लड़कियाँ हैं किसी की ऐसी बात बुरी लग जाती है, वो एंगर मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? डेली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा ये सब्जेक्ट्स आपने एंगर मैनेजमेंट की बात की, इसमें है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एंगर मैनेजमेंट। अच्छा ये दिस इज द अच्छा बिल्कुल ये इन्हें एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बकायदा कोर्स के तौर पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई थाने में आता है तो वो बहुत ही एंगर पोजीशन में होता है, जहरी बात है थानों में जिस तरह मैमुना ने बताया कि आते ही वो लोग हैं जिन्हें जिनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ आता है, परेशान होते हैं वो या गुस्से में होते हैं, तो कैसे जब वो पब्लिक आएगी तो उससे कैसे डील करना, ये भी बहुत बड़ा काम है मेरे ख्याल में पुलिस में सबसे मुश्किल काम पब्लिक डीलिंग है, जो कि सबको आनी चाहिए कि पब्लिक को कैसे सेटिस्फाई करना है और कैसे उसे ये एहसास दिलाना है कि हम जो है आपकी परेशानी को समझ रहे हैं और अब हम भी उस परेशानी में बराबर के शरीक हैं। आपने एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल करना कैसे सीखा? यहाँ पे हमारा प्रॉपर लेक्चर होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। अच्छा। तो जब मैम हमें लेक्चर दे रही होती है तो बता रही होती है कि जब को हमें कोई परेशानी होती है तो हम लोगों ने कैसे उस पर काबू डाला है, जैसे ड्यूटीज़ के हवाले से घर में टेंशन होती हैं तो हमने कैसे उनको कंट्रोल करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं किधर जा रही हूँ? हम हॉस्टल में जा रही है लॉ क्लास के बाद। लॉ क्लास के बाद अब हॉस्टल में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा मुझे बताओ कि सुबह कितने बजे उठती हो, क्या रूटीन होती है और कितनी टफ रूटीन है? हम सुबह तकरीबन नमाज से पहले तहज्जुद के टाइम उठ जाते हैं। अच्छा। नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपनी पीटी के लिए तैयारी वगैरह करते हैं। अच्छा। उसके बाद
अच्छा ये पीटी में क्या करते हो? पीटी में एक्सरसाइज होती है हमारी, अच्छा। टू माइल्स के करीब रनिंग वगैरह होती है, अच्छा। रनिंग के बाद फिर हमारी एक्सरसाइज होती है, अच्छा। एक्सरसाइज के बाद फिर हमें कुछ मिनट की ब्रेक दी जाती है, अच्छा। फिर हमारी परेड का टाइम आ जाता है, फिर हम परेड के लिए यूनिफॉर्म चेंज करके फिर परेड के लिए आ जाते हैं। अच्छा, मतलब आप यूनिफॉर्म चेंज करके पहले ट्रैक सूट पहनते हो, उसके बाद यूनिफॉर्म पहनते हो, फिर क्लासेस के लिए आ जाते हो। अच्छा, क्लासेस खत्म होती हैं फिर क्या करते हो? क्लासेस खत्म होने के बाद हमें कुछ मिनट के लिए फिर ब्रेक दी जाती है, उसमें हम लंच करते हैं। लंच के बाद हमारा कुछ रेस्ट का टाइम होता है, फिर हमारी 4:15 पे फिर दोबारा से परेड का टाइम हो जाता है, फिर इस तरह चढ़ता रहता है प्रोसीजर दिन। अच्छा, जो 4:15 पे परेड स्टार्ट होती है वो कब एंड होती है? वो 5:30 पे खत्म, मतलब एक घंटे की वो भी परेड हो गई। तो बिल्कुल फ्री कब हो जाते हो? बिल्कुल फ्री हो जाते हैं 7:15 पे 20 पे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या एक्टिविटी होती है? उसके बाद हमने लॉ का पढ़ना होता है, असाइनमेंट्स। अच्छा, मतलब जो नेक्स्ट डे के असाइनमेंट मिली है वो तैयार करनी है। जी जनाब, लड़कियां जो हैं वो अपने हॉस्टल रिक्रूट्स पहुंच चुकी हैं, और ये देखिए इनके हॉस्टल्स भी कितने प्यारे हैं। चलें जी, अब खेलने लग गई हैं लड़कियां, पूछते हैं क्या खेल रही हैं। खेलने लगी हो जी? क्या खेलने लगी हो? हारने का इरादा या हिराने का इरादा? हिराने का इरादा। चलें देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। स्टार्ट हो जाए फिर। चलें जी लड़कियां, आप जा रही हैं परेड के लिए और हम भी इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि इनकी परेड कैसे हो रही है। आइए मेरे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फॉल इन हो गई लड़कियां और सब यहां पे मौजूद हैं। एक विसल बजती है, वो विसल इस बात की इंडिकेटर होता है कि वो जल्द से जल्द जो है वो ग्राउंड में पहुँच जाए। सामने देख, आसान बचोगे आसान बच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उनकी पीटी से उनका दिन स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसकी उनकी परेड हुई है रिक्रूट्स की, उसके बाद उनकी क्लासेस हुई हैं जिसमें उन्हें सिखाया गया है लॉ का, काउंटर टेररिज्म का, उसके बाद कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और आइए मज़ीद जानते हैं DSP नासिर मलिक साहब से, जो कि कोर्स कमांडर भी हैं, कि पुलिस का ख़वातीन का पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन करना, उसके बाद क्या खिदमात जो है वो सर अंजाम देती हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि ख़वातीन का कितना ज़रूरी है, क्या अहमियत है ख़वातीन को पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने की, और उनका क्या काम है, इसके बाद एप्लीकेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखें, ख़वातीन तो आजकल हर शोबे में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और नज़र आती हैं उनके काम। इसी तरह ही पुलिस में भी हर लेवल पर आप भर्ती होंगे तो ख़वातीन अपना रोल बड़ा अहम तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। तो इसी तरह ये ख़ास तौर पे हम यहाँ पे इनको सिखाते हैं कि जब ये थानों में या चौकीज में या मुख्तलिफ ऑफिस में जाएंगी, वहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट के तौर पे ख़वातीन आती हैं वहाँ पे, तो उनको कैसे डील करना है, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना, उनको उनकी बात सुनना, क्योंकि हमारे माशरे में बात झिझक होती है, ख़वातीन फेस नहीं करती, थाना नहीं आती, तो उनको ज़रा एक अपनाइत का माहौल देने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए ख़ास तौर पर इनको तरबियत दी जाती है। अच्छा नर्सी साहब, मुझे ये बताएं कि किसी भी एक्सेल करने के लिए, किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए, ख़ास तौर पे पुलिस में, अगर आपने फील्ड में ड्यूटी करनी है या एक्सेल करना है, ट्रेनिंग की क्या अहमियत है? ट्रेनिंग तो एक बुनियादी चीज़ है जी। ट्रेनिंग के बगैर तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आप कोई काम कर सके। ख़ास तौर पर प्रोफेशनल काम करना है आपने, तो यू हैव टू हैव ट्रेनिंग।
अच्छा, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे ये हमारे पास ब्याज चल रहा है, तो ये एक लंबा तवील इसका ब्याज है, 9-10 मंथ का ब्याज है हमारे पास जी। तो इनको हम प्रोफेशनली स्किलफुल बनाने के लिए इनको हम एकेडमिक्स सिखाते हैं, उसमें इनका जनरल लॉ है, इनको पुलिस प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता है, इनको हम कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, माइंड मेकिंग के हवाले से चीज़ें, मोटिवेशन स्पीकर बुलाते हैं यहाँ पर, इनको सिखाया जाता है। इसके अलावा हम इनको फिज़िकल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। इसके अलावा इनको फिर फायरिंग की प्रैक्टिस भरपूर करवाई जाती है, और आखिर में इस कोर्स के काम पर 2 महीने के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है। अच्छा। जिसमें कमांडो टाइप को इनको पैरा पीटी और इसके अलावा जो ऑब्स्टेकल्स हैं, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करवाई जाती है। अच्छा अच्छा। सो दे बिकम फुली प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर। प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर। कितना चैलेंजिंग है ट्रेनिंग ख़वातीन को ख़ास तौर पे देना? आपके ऊपर काफ़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि सारी बात है उनकी सिक्योरिटी का, उनकी सेफ्टी का, हर तरह का ख्याल रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल होता है जी, और लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज एक अरसे से चल रहा है और एक अब हमारे वो एक रूटीन बनी हुई है, लेकिन आपकी बात सही है, मुश्किल होता है बड़ा बैच हो ख़वातीन को ट्रेनिंग देना एज़ कम्पेयर टू मेल हजरात, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो जाते हैं, सिक्योरिटी के इशू होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा उसका ख्याल करते हैं, टीम अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, और एक्सपीरियंस लोग हैं और सारे मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं, सो वी आर परफॉर्मिंग बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आप क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग में टीम वर्क का कितना रोल है, टीम वर्क किस हद तक इम्पॉर्टेंट है? टीम वर्क के बगैर नहीं होता जी, आप ट्रेनिंग है, दिस नॉट वन मैन शो नहीं है ये, ठीक है, ये आपको यू हैव टू हैव ट्रेनिंग टीम फॉर दैट, और मोटिवेटेड हो, हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे टीम वर्क हो, और हम ऐसा प्लेजेंट माहौल दें इनको, कंफर्टेबल माहौल दें कि ये हैक्टिक किस्म की इनकी फील्ड की जो प्रैक्टिस होती है, बार ट्रेनिंग होती है, वो ज़ाहिर थका देती है, मशक्क़त तलब होती है, तो उससे ये थक तो जाते हैं फिज़िकल हमारे जो ट्रेनीज़ हैं, लेकिन उनको मेंटली वो रिलैक्स रहें, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, वो प्लेजेंट माहौल में, बड़े कम्फर्टेबल माहौल में ट्रेनिंग करें, ये हमारी कोशिश होती है ताकि इनको खुशगवार और अच्छा माहौल दिया जाए। अच्छा नासिर साहब, अगर मैं आपसे पूछूंगी एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनने के लिए किन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटी पे वो चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, तो वो क्या चीज़ें? जी 3 चीज़ें मैं जो ख़ासतौर पर लेडीज़ को मद्देनजर रखते हुए कहूँगा वो ये है कि एक तो सबसे पहले तो इनको काम आना चाहिए, दे मस्ट बी प्रोफेशनली, दे शुड बी कॉम्पिटेंट। ओके। सेकंड ये है कि अपने काम से मोहब्बत हो, इंटरेस्ट हो, शौक हो, लगन हो, मोटिवेशन हो, ये नहीं कि काम को छोड़ जाएं, काम से भागें, फरारियत हासिल करें, नो, दे शुड स्टे एंड वर्क, बड़े शौक के साथ, इंटरेस्ट के साथ करें। और थर्ड जो सबसे पहले मेरे ख्याल में है, लेकिन चूंकि आवाज का होता नहीं है कॉम्बिनेशन हमारे पास, सबसे ज़रूरी है कि दे शुड बी ऑनेस्ट, सो ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंट और फिर काम में इंटरेस्ट लेना, ये 3 चीज़ें हैं जो एक आपको अच्छा प्रोफेशनल बनाने में। अच्छा ये तो हो गया पैगाम रिक्रूट्स के लिए या जो काम कर रही हैं, अभी जो जिन्होंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना है, जो ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल जी, वो आएँ और अच्छे जज्बा लेकर आएँ, शौक के साथ आएँ, यहाँ पे काम करें, अब वो दौर नहीं है, अब सारे एजुकेटेड लोग हैं, हमारे रिक्रूट्स भी आपको मोस्टली ग्रेजुएट नज़र आएंगे, मास्टर डिग्री होल्डर नज़र आएंगे जी, एजुकेटेड टीम है हमारे पास, तो नाउ पुलिस इज प्रेजेंटली एंड पॉजिटिवली चेंजिंग, थाना कल्चर चेंज हो गया, थाना कल्चर हो रहा है इंशाल्लाह ताला, और जल्द मुकम्मल तो हो जाएगा इंशाल्लाह, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आज मैं मौजूद थी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चुंग में, जहाँ पे पुलिस रिक्रूट्स को तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले चैलेंजेस के लिए उन्हें तैयार किया जाए, फील्ड में ड्यूटी के लिए उन्हें तैयार किया जाए, और आज की जो औरत है वो भी मर्दों के शाना बशाना खड़ी है। और अगर आप जो है सिस्टम में, इस निज़ाम में तब्दीली देखना चाहते हैं, तो आइए इस निज़ाम का हिस्सा बनिए और इस निज़ाम को तब्दील कीजिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।